देखिए क्लास 12 का हम अवकलन बना रहे हैं और एक इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे अवकलन कैसे किया जाता है, अवकलन हम कैसे करते हैं। तो आज हम अवकलन बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको समाकलन करना है, तो जब तक अवकलन नहीं आएगा तो समाकलन नहीं आएगा। और बच्चे हमारे पास फोन किए कि गुरुजी आप क्लास 12 के मतलब वो मैथ नहीं बना रहे हैं, बनाइए। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो समाकलन के लिए बच्चों ने कहा, लेकिन चूंकि जब तक समाकलन नहीं आएगा वो अवकलन, तब तक यदि समाकलन नहीं आएगा, इसलिए हम पहले अवकलन आप लोग देख लीजिएगा, तब हम समाकलन 7.1 हम बताएंगे। देखिए जिसे अवकलन में क्या है, पहली सवाल मान लीजिए है y बराबर साइन x प्लस कॉस x, यानी y बराबर गिना है साइन x प्लस कॉस x, और इसी का हमें मतलब करना है अवकलन। तो मान लीजिए अगर इसका अवकलन करना है तो सबसे पहले सुंदर राइटिंग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेगा है तो हम कैसे करते हैं पहले सुन लीजिए। मान लीजिए बराबर की जो इधर है, अगर y लिखा है, अगर हम y को x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करते हैं तो e हो जाए dy अपान, जिसके सापेक्ष हम करते हैं dx नीचे हो जाए। अगर मान लीजिए अभी t होता इधर बराबर की इधर, अगर t होता, अगर हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करते तो बराबर इधर क्या है t है, तो dt हो जाए बटे, अब इन्हीं x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है तो हमारा हो जाए dx, यानी कि dt अपान dx। अब ध्यान से देखिए इधर, कहने का मतलब जब हम y को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान dx होगा बराबर फिर d अपान dx sin x प्लस फिर लिखेंगे हम d अपान dx cos x। ये dy अपान dx बराबर sin x। अब देखिए यानी कि sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन होता है cos x। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो sin x का अवकलन का होता है, तो cos x होता है, और cos x का अवकलन का होता है माइनस sin x होता है। समझ लीजिए कायदे से, यानी कि जब हम d अपान dx sin x लिखा है, d अपान dx का मतलब जो इसके आगे sin x लिखा है इसका मतलब होता है कि sin x का अवकलन, तो sin x का अवकलन का हो गया cos x हो गया प्लस। अब देखिए अब d अपान dx के आगे cos x लिखा है, मतलब कि d अपान dx के आगे जो लिखा हुआ है उसी का हमें अवकलन करना है, d अपान dx के मतलब अवकलन। अब हम cos x के जब अवकलन करेंगे, अब ध्यान से देखिए cos x का अवकलन का होता है माइनस sin x होता है, तो एक है मतलब cos x के अवकलन भैया माइनस sin x। dy अपान dx बराबर cos x प्लस माइनस माइनस sin x, यही उत्तर होगा। अगर इस सवाल में कहीं दिक्कत रही हो हम फिर सवाल बताते हैं। जैसे लिखा है दूसरी सवाल है, मान लीजिए y बराबर sec x प्लस cos x, ऐसे लिखा हुआ है। अगर y बराबर sec x प्लस cos x का हमका अवकलन निकालेगा है, अवकलन ज्ञात करेगा है, तो अवकलन कैसे निकालेंगे। अगर आपको अवकलन नहीं आएगा तो समाकलन नहीं आएगा। तो बच्चों ने कहा, तो हमने कहा ठीक है, समाकलन के लिए कह रहे हो समाकलन हम
बना करके हम वीडियो भेजेंगे, लेकिन उसके पहले हम अवकलन बताएंगे। जब तक अवकलन नहीं आएगा हमारा समाकलन नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले अवकलन आप लोग देख लीजिए। जैसे y बराबर sec x प्लस cosec x है, अब इसी का हमें अवकलन करना है। अगर इसका अवकलन करना है तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे सुंदर राइटिंग में x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब हमने कहा है अब y को हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो बराबर किधर y है तो इसको लिखेंगे dy अपटे, जिसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे उसको हम नीचे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा dy अपान dx हो जाएगा। जिससे पहले में आप लोगों ने देखा कि y के अवकलन हम x के सापेक्ष हमने किया तो dy अपान dx हो गया, तो वही अवकलन हम यहां कर रहे हैं। y को हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान dx होगा, बराबर फिर d अपान dx लिखेंगे और फिर sec x लिखेंगे जो लिखा हुआ है, और प्लस और फिर d अपान dx लिखेंगे और फिर cosec x है cosec x लिखेंगे, ये है। तो अब देखिए ये हो जाए dy अपान dx बराबर, अब d अपान dx के आगे sec x लिखा है तो इसका मतलब sec x के अवकलन का रूप है। अब देखा यानी sec x का लिखा होगा, देखा sec x के अवकलन का होगा sec x into tan x या tan x into sec x, तो यानी कि sec x के अवकलन होता है sec x into tan x, प्लस है प्लस लिखा। अब देखिए अब cosec x के अवकलन क्या होगा, तो cosec x के अवकलन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, एक है मतलब जहां cosec x लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम माइनस लिख देंगे cosec x इंटू cot x। अब देखिए ये dy अपॉन dx बराबर sec x इंटू tan x, अब प्लस माइनस माइनस हो जाए cosec x इंटू cot x, यही आंसर हुआ। यानी मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि sec x का अवकलन क्या होगा, तो sec x इंटू tan x होगा, अब cosec x का अवकलन क्या होए माइनस cosec x इंटू cot x। अब अगला देखिए tan x प्लस cot x, यानी y बराबर tan x प्लस cot x के अवकलन करना है। पहले हम अपने बच्चों से यही कहेंगे जो हमने सूत्र लिखा है इसको पहले उतार लीजिएगा, इसको याद कर डालिएगा, और अवकलन हमारा वीडियो मतलब वीडियो हमारा शुरू से आखिर तक देखिएगा। अवकलन यानी क्लास 12 के हम अवकलन बता रहे हैं, तो आप जैसे मान लीजिए y बराबर tan x प्लस cot x है, अब इसी का हमें अवकलन करना है, तो यानी कि x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर सुन लीजिए, अगर हम y को x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपान dx बराबर, और फिर लिखेंगे d अपान dx tan x, और प्लस जिसका अवकलन करना है उसके पहले d अपान dx लगा देना है, अब cot x का अवकलन करेगा है जिसके पहले d अपान dx लगा देंगे cot x, ये है। अब ये dy अपान dx बराबर tan x, अब देखिए tan x का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर x होगा, इसका मतलब मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि कहो tan x का अवकलन क्या होए, तो हम बताएंगे tan x का अवकलन होए sec स्क्वायर x,
प्लस आई प्लस लिखा। अब काट एक्स है तो काट एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस काट सेक स्क्वायर एक्स होगा। इसका मतलब ये है कि काट एक्स का अवकलन ये माइनस काट सेक स्क्वायर एक्स होगा। अब देखिए तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस माइनस माइनस अब काट सेक स्क्वायर एक्स, यही हमारा अवकलन हुआ। अगर हम y बराबर tan x प्लस cot x को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx बराबर sec स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। ये अब देखिए सवाल नंबर चार, y बराबर e की पावर x प्लस लॉग x। अब इसका अवकलन करना है हमें, वो भी करना है x के सापेक्ष, तो लिखेंगे सुंदर राइटिंग में x के सापेक्ष, सुंदर राइटिंग लिखेंगे, अवकलन करने पर। अब देखिए जब हम y को x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy अपान dx होगा। और अब ex का अवकलन करेंगे तो पहले d अपान dx लिखेंगे, ex e की पावर x प्लस फिर d अपान dx लिखेंगे तो log x लिखेंगे। अब इसी का हमें अवकलन करना है, ये dy अपान dx बराबर e की पावर x, e की पावर x के अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो गया और प्लस log x। अब log x के अवकलन क्या होगा, 1 अपान x होगा, एक है मतलब कि log x के अवकलन 1 अपान x हो गया, यही हमारा आंसर हुआ। कहने का मतलब e की पावर x, e की पावर x के अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है और प्लस फिर log x के अवकलन क्या होता है, 1 अपान x। जब हम log x के अवकलन कर देंगे 1 अपान x तो ये हमारा d अपान dx जो है ये हट जाएगा। जैसे e की पावर x का अगर हम इसका अवकलन कर देंगे तो ये हमारा d अपान dx हट जाएगा। ये सवाल नंबर चार। अब देखिए पांचवें सवाल, अब लिखा है y बराबर x घाते 3, y बराबर x घाते 3 का अवकलन करेगा है तो कैसे करेंगे, तो इसको पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब देखिए तो जब हम y के अवकलन जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो हमारा क्या होगा, dy अपान dx होगा बराबर। अब हम x घाते 3 के अवकलन करेंगे, इसके पहले लिखेंगे d अपान dx x घाते 3, मतलब जिसका अवकलन करने जा रहे हैं हम उसी के पहले हम d अपान dx लिख देंगे। तो अब ये dy अपान dx बराबर x घाते 3 के अवकलन का हुए, तो अभी जो घात पहले घात लिखी हुई है जितनी घात लिखी है 3 और फिर लिख देंगे x घाते, अभी हम इसमें से ये घात कम कर देंगे 3 है तो ये हो गए 2, मतलब 3 x घाते 2, यानी जितनी घात लिखी रहेगी पहले लिख देंगे और फिर एक घात कम करके तब लिखेंगे 3 x घाते 2। अगली सवाल देखिए छठी सवाल, जिसे y बराबर x घाते मान लीजिए 5 है, अब y बराबर x घाते 5 है इसी का अवकलन करना है। अब देखिए अब इसमें कन्फर्म कर देंगे हम, अब y बराबर x घाते 5 तो y बराबर x घाते 5 के अवकलन करेगा है। अगर मान लीजिए x घाते 5 है, x घाते 7 है, x घाते 10 है, इसका अवकलन हम कैसे करते हैं, तो यदि सुंदर आइटम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने,
अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। अब देखिए, अब यानी कि वाई का अवकलन हम करेंगे एक्स के सापेक्ष, अगर हम वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर। अब एक्स घाते पांच का अवकलन करेंगे तो पहले लिखेंगे डी अपान डी एक्स, एक्स घाते पांच इसको लिखेंगे। अब देखिए डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स घाते पांच, जितनी घात लिखी है पहले हुई है पांच, फिर ये एक घात कम हुई है पांच एक्स घाते चार, जैसा कि हमने कहा है एक्स घाते यन के अवकलन होते हैं यन एक्स घाते यन माइनस वन एक घात कम। अब ये जैसे मान लीजिए अभी कह दीजिए एक्स घाते दस का अवकलन क्या होगा, तो एक्स घाते दस का अवकलन होगा पहले तो जितनी घात लिखी है पहले उस पूरी संख्या उतार लेंगे, दस घात या दस लिख लेंगे हम, अब फिर लिखेंगे यक्ष घाते, अब हमन से ये घात कम करके लिखेंगे, समझ में आया नहीं आया, मतलब एक घात कम कर देंगे नौ कर देंगे, तो यक्ष घाते दस के हमारे अवकलन का होंगे दस यक्ष घाते नौ होगा। जैसे मान लीजिए यक्ष घाते मान लीजिए बारह है, तो यक्ष घाते बारह के अवकलन का हुए तो जितनी घात पहले लिखी है पहले देखा पूरा का पूरा इसे उतार लिया, जय घात लिखी है बारह, फिर यक्ष घाते क्या हम 12 लिखेंगे, नहीं भाई फुल हम एक एक घात घटाओ लिखा चलाओ नहीं हम, तो इसमें भी एक घात घट जाएगा तो 12 यक्ष घाते 11 यही हमारा अवकलन हुआ। तो इस तरह से अब देखिए सवाल नंबर सातवें, तो सातवें सवाल तो देख करके समझ में आ गया होगा कि अब इसी का हमें अवकलन करना है। भाई हमारा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए और इसको लाइक करिए, और अगर आप लाइक करते रहेंगे तो हम क्लास 12 के हम आपको वीडियो बना करके हम भेजते रहेंगे, अगर पसंद आता है तो उसको और शेयर करिए। तो जिसे हम बताए बच्चों का फोन आया कि गुरुजी आप समाकलन गर्मी मतलब कि लॉकडाउन है समाकलन ही हमारा पूरा कर दीजिए, तो हमने कहा ठीक है, तो समाकलन कब तक नहीं आएगा जब अवकलन नहीं आएगा, अगर अवकलन आ जाए तो समाकलन हमको समझाने में आसान हो जाए। तो अवकलन के जितने हम नियम हैं सबको यानी सब पूरा नियम हम वीडियो बना करके भेजेंगे, लेकिन कब भेजेंगे, जब आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए और आगे शेयर करिए। देखिए इधर जैसे इसी का अवकलन करना है तो सुंदर राइटिंग लिखेंगे यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। आप देखिए जब हम y को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy अपान dx, हमेशा जान लीजिएगा। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो y को यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, y को तो dy होगा, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो बटे dx होगा, तो dy अपान dx बराबर जो संख्या रहेगी इसको तो हम पहले लिखेंगे, संख्या को पहले लिखते हैं फिर d अपान डी एक्स लिख करके फिर x घाते 3 लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस लिखिए, फिर 5 है 5 लिखिए, कहीं दिक्कत हो बताइएगा, फिर d अपान डी एक्स लिखिए, फिर x घाते 2 है x घाते 2 लिखिए, फिर प्लस है प्लस लिखिए। अब इसमें चूंकि x नहीं है इसलिए इसको हम d अपान डी एक्स के आगे साथ लिख देंगे, हम जिसमें x नहीं रहेगा वो तो हम डी अपान डी एक्स के आगे लिख देंगे, और जिसमें यक्ष रहेगा वो गिनती रहेगी और यक्ष भी रहेगा, तो गिनती को डी अपान डी एक्स पहले लिखेंगे और यक्ष को डी अपान डी एक्स बाद लिखेंगे। अब इसी का अवकलन हमें करना है तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2 × अब देखा जैसा कि अभी हमने कहा है तो यक्ष घाते 3 के अवकलन का हो जाए, पहले भाई समझा
कहीं दिक्कत हो बताइए। यक्ष घाते तीन है तो तीन पहले लिए, जय घात है पहले लिए, फिर यक्ष घाते जितनी घात यह है वो हमारे एक घात कम हो जाए दो मतलब यक्ष घाते तीन। अगर डी अपान डी एक्स के आगे यक्ष घाते तीन लिखा हुआ तो इसका मतलब कि यक्ष घाते तीन के अवकलन करेगा है। पहले समझा हमारी बात, तो यक्ष घाते तीन के अवकलन कैसे हुए? हमने कहा जितनी घात लिखी है पहले को उतार लिया, तीन घात लिखी है तीन उतार लिया, चार घात लिखी है तो चार उतार लिया, पांच घात लिखी है तो पांच उतार लिया, उतार के अब जितनी घात लिखी रहे फिर एक घात कम पहले लिख दे भाई, तो यक्ष घाते दो लिख दे हम। अब प्लस अब पांच है पांच लिखा इंटू अब यक्ष घाते दो लिखा हुआ, अब यक्ष घाते दो जो है डी अपान डी एक्स के आगे लिखा हुआ तो एक मतलब यक्ष घाते दो का हमका अवकलन करेगा है। अब इसका अवकलन क्या होगा यक्ष घाते दो का, जितनी घात लिखी है पहले पहले उतार, अब यदि यक्ष घाते पहले दो है तो दो घात लिखे दो लिख के फिर यक्ष घाते अब दो है तो हमसे एक घात कम कहेंगे तब लिखा, अगर दो घात है तो एक घात कम हो गए। अब फिर प्लस अब देखिए d अपान डी एक्स के आगे जो लिखा हुआ है क्या x है उसमें सात लिखा है ना, इसमें x तो नहीं है तो अगर x नहीं है तो उसका अवकलन क्या होगा जीरो होगा। अगर मतलब जो भी जैसे मान लीजिए d अपान डी एक्स आठ लिखा हुआ, अब देखा d अपान डी एक्स के आगे आठ लिखा है क्या इसमें x है नहीं है तो इसका मतलब आठ के अवकलन होंगे जीरो। जैसे मान लीजिए लिखा है d अपान डी एक्स सी लिखा है, डी अपान डी एक्स सी लिखा है, अब देखा जो डी अपान डी एक्स के आगे मतलब एक्स है नहीं है इसका भी अवकलन जीरो होगा। इसका मतलब कि डी अपान डी एक्स के जब हमें किसी का अवकलन करना है तो पहले देखिए डी अपान डी एक्स के आगे अगर एक्स नहीं है तो उसका अवकलन जीरो होता है। तो यह तरह से अब देखिए डी वाई अपान डी एक्स बराबर दो तिहाई छह एक्स घाते दो प्लस पांच दूनी दस और एक्स घाते एक, एक घात नहीं लिखी जा प्लस जीरो माने कुछ नहीं, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर आठ, देखिए अब इस आठवीं सवाल में कंफर्म होगी कि अवकलन कैसे किया जाता है। तो पहले आप लोग सैंपल देखिए, अगर जैसे मान लीजिए इस तरह से है और इसको हमें अवकलन करना है तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर अवकलन करने पर। अब देखिए जब हम y के अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई बराबर के यहां y लिखा हुआ है तो यहां dy लिखेंगे और इसको मतलब इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष तो dx नीचे लिख देंगे, मतलब जो y के पहले रहेगा इसमें d लगा करके ऊपर लिख देंगे और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसमें d लगा करके नीचे लिख देंगे, यही हमारा वाई के अवकलन हो गया। तो अभी ये बराबर अब संख्या है इसमें, अगर इसमें संख्या तो संख्या पहले लिखेंगे, संख्या लिख करके तो फिर d अपान dx लिखेंगे फिर x घाते 5 लिखेंगे और प्लस फिर गिनती है, गिनती को d अपान dx के पहले लिखते हैं और फिर लिखेंगे d अपान dx x घाते 4 और प्लस फिर 2 है 2 लिखा फिर d अपान dx x घाते 3, यानी कहने का मतलब ये दो जो ना है पहले हो जाए अब d अपान dx के आगे x घाते 3 हो जाए फिर प्लस अब 5 अब फिर d अपान dx का हो जाए x घाते 2 अब प्लस फिर d अपान dx अब 10 हो जाए ये। अब देखिए घर अब इसी का हमें अवकलन करना है। अब बच्चे हमारे देखते होंगे तो कहते होंगे कि इतनी लंबी सवाल है, सवाल लंबी नहीं होती है, दिमाग से ज्यादा लंबा यानी कि कहिए सवाल मिल जाए तो सवाल नहीं होती है, केवल बस हल्का से ध्यान से देख लीजिए कैसे हम करेंगे। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर पहले तीन है तीन लिखेंगे, तीन अब डी अपान डी एक्स इंटू होगा
तीन इंटू, अब देखिए x घात पांच, d अपॉन dx के आगे जो लिखा हुआ है उसी का हम अवकलन करते हैं, कहीं ऐसी गलती ना करिए, d अपॉन dx के आगे जो लिखा हुआ है पहले इसका अवकलन कर लीजिए, तो जो d अपॉन dx के पहले लिखा है उसका अवकलन नहीं होता है, उसको हम उतार लेते हैं, जो d अपॉन dx के आगे लिखा रहता है उसी का हम अवकलन कर देते हैं। कहो x घाते पांच के अवकलन अब तो समझ में आई हो कि जो घात लिखी है पहले हो गए, x घाते पांच है यानी पांच घात पहले हो गए, अब फिर ये हमसे एक घात कम कर दे तो x घाते चार, एक है मतलब x घाते पांच के अवकलन होगा पांच, x घाते चार होगा, अब फिर प्लस, फिर चार है चार लिखा, फिर इंटू, अब x घाते चार के अवकलन का हो गए जितनी घात है पहले हो गए यानी चार, x घाते चार है तो x घाते तीन हो गए, फिर प्लस, फिर दो यहां दो लिखा इंटू x घाते तीन का हो गए तीन, x घाते एक कम हो गए दो हो गया, x घाते तीन हो गए तीन, x घाते दो हो गया, अब फिर देखिए प्लस पांच इंटू x घाते दो है तो ये हो गए दो, x घाते एक कम हो गए x घाते दो है तो x घाते एक हो गए, अब प्लस, अब देखा इधर, अब 10 लिखा हुआ d अपान dx 10 लिखा है, जो ने x न रहे वो का d अपान dx के आगे लिखा, अगर यानी कि आप सबके दिमाग में ही हो कहो काहे बड़े दुर्व्यवहार होता है कि मतलब यहां तो देखा तीन है तो एक d अपान dx के पहले लिखा गई तीन, लेकिन यह 10 का काहे बड़े d अपान dx के पहले नहीं लिखा था, तो यानी यह 10 में के आगे x नहीं लिखा है इसलिए हमने d अपान dx के आगे लिखा, अगर इसमें x होता तो हम 10 को d अपान dx पहले लिखते और x को हम बाद में लिखते, इसीलिए हमने 10 को d अपान dx के आगे लिखा है। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो सब गिनती d अपान dx के पहले लिखे और 10 का जो है d अपान dx के आगे लिखे, तो उनसे बतावा भाई यह बड़े d अपान dx के आगे 10 लिखे ही, चूंकि उसमें 10 के आगे x नहीं लिखा था, जिस गिनती के आगे x नहीं लिखा रहेगा वो हमेशा d अपान dx के आगे लिखा जाए। अब देखिए, अब हो जाए dy अपान dx बराबर 3 पचे 15, x घाते 4 और प्लस 4 चौक 16, x घाते 3 और प्लस 2 तिहाई 6, x घाते 2 प्लस 5 दूनी 10, x घाते 1 लिखा नहीं जाए, इसका अवकलन 0 होगा, जिस d अपान dx के आगे अगर x नहीं है तो चाहे d हो चाहे c हो 0 ही होगा, x रहेगा तभी अवकलन होगा, x नहीं है तो उसका अवकलन 0 होगा। अब यानी कि यही हमारा आंसर है। अब देख लीजिए सवाल नंबर 9, अब लिखा है y बराबर x घाते 8 प्लस 3 x घाते 5 प्लस x घाते 3 प्लस 15, अगर इसी का अवकलन करना है हम कैसे करेंगे, सबसे पहले सुंदर राइटिंग लिखेंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो बच्चों के समझ में तो आ गया होगा कि अगर हम y को x के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे, समझ में आवत नहीं आई ना, कहीं दिक्कत हो बताइएगा भाई, जैसे y है ना, अगर y का अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा dy अपान dx होगा, मतलब जो यहां लिखा हुआ है उसमें d शामिल कर देंगे तो dy होगा, और जिसके सापेक्ष करना है उसमें d शामिल करके नीचे लिख देंगे, आवत नहीं आवा, कहीं दिक्कत होता आइएगा, तो ये हो जाए dy अपान dx बराबर, और फिर अब इसका अवकलन हमें करना है तो पहले लिखेंगे, इसमें तो संख्या है नहीं तो इसको हम लिखेंगे d अपान dx, x घाते 8 लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस लिखा, फिर 3 है, अब गिनती है तो अगर गिनती है तो गिनती को उतारेंगे पहले, तब फिर हम d अपान dx लिखेंगे, समझ में नहीं आओ ना,
पहले हम गिनती को क्या करेंगे, उतारेंगे हम। अगर संख्या है यक्ष, यक्ष के पहले गिनती है, जो यक्ष के पहले गिनती रहेगी उसको तो उतार लेंगे हम। तब हम डी अपान डी एक्स लिख करके जो जितनी घात यक्ष लिखी है यक्ष घात, उसको हम डी अपान डी एक्स के आगे लिख लेंगे हम। फिर देखिए अब यानी प्लस है, प्लस लिखिए, अब इसमें तो गिनती है नहीं, अगर गिनती नहीं है तो यक्ष घाते तीन कहां लिखेंगे, वो लिखेंगे डी अपान डी एक्स के आगे लिखेंगे। अब प्लस, अब फिर इसमें, अब इसमें यक्ष भाई गिनती है, अभी कहा हो गया कि कहा देंगे कि 15 जो है कहां लिखा जाए, डी अपान डी एक्स के पहले लिखा जाए। तो जब हम डी 15 जो है डी अपान डी एक्स पहले लिख देंगे तो डी अपान डी एक्स क्या हुआ, कहा लिखा, तो उसमें तो यक्ष है नहीं, इसलिए जिस संख्या में यक्ष नहीं रहेगा वो संख्या हम कहां लिखते हैं, डी अपान डी एक्स के आगे लिखते हैं। समझ में आएगी नहीं आएगी, अब इसी का हमें अवकलन करना है। अब यह होइए डी वाई अपान डी एक्स बराबर यक्ष घाते आठ के अवकलन होइए आठ यक्ष घाते सात। यार अब तो समझ में आई हो, यक्ष घाते आठ के अवकलन कैसे आठ यक्ष घाते सात हो गया, समझ में आवा नहीं आवा। आइए जितनी संख्या मतलब जय घात लिखी रहे वो का हम पहले लिख देवे हम, फिर यक्ष घाते जितनी घात लिखी रहे उनमें से एक घात कम कर देवे, यानी आठ यक्ष घाते आठ लिखा तो सात हो गए, और प्लस फिर तीन है तीन लिखा इंटू फिर यक्ष घाते पांच है एक है, मतलब जितनी घात लिखी रहे पहले तो पूरी का पूरी घात उतार ले, अब फिर अब यक्ष घाते पांच है ना, अब पांच के आगे यक्ष घाते पांच नहीं उतारेंगे, एक घात कम करके तो लिखा यक्ष घाते चार लिखेंगे, और प्लस है प्लस लिखा। अब ये यहां तो गिनती है नहीं संख्या, अब यक्ष घाते तीन डी जो डी अपान डी एक्स के आगे लिखा हुआ उसी का अवकलन हमें करना है, जो डी अपान डी एक्स के पहले जो लिखा रहे उसको उतार लेना है। तो अब यक्ष घाते तीन के अवकलन करेगा तो जितनी घात लिखी है पहले उसका पूरा का पूरा उतार ले, तीन घात लिखी है ना, तीन घात लिखी है तो तीन घात उतार लेंगे हम। अब फिर यक्ष घाते तीन यहां उतारेंगे, क्या यक्ष घाते तीन यहां उतारेंगे, गलत है क्या, जब हमने कहा है कि जितनी घात है उससे एक घात कम कर लिखा, तो तीन घात है तो दो घात उतारा। अब फिर अब देखिए प्लस है प्लस लिखिए, अब यहां क्या है 15 है, अब जो डी अपान डी एक्स के आगे जो संख्या लिखी गई है उसमें क्या यक्ष है, नहीं है, अगर डी अपान डी एक्स के आगे जो चीज लिखा रहा है अगर वह हमारा यक्ष नहीं ना तो उसका अवकलन जीरो होता है, याद रखे रहिएगा डी अपान डी एक्स के आगे यक्ष होना जरूरी है, अगर यक्ष नहीं है तो उसका अवकलन जीरो होता है। किसी ने पूछ लिया को 15 का अवकलन जीरो कैसे भा, मतलब उनसे कहिए क्योंकि d अपान डी एक्स के आगे 15 लिखा है, तो अगर d अपान डी एक्स के आगे यक्ष नहीं है तो उसका अवकलन जीरो होता है। अब क्या करेंगे, अब डी वाई अपान डी एक्स बराबर आठ यक्ष घाते सात प्लस तीन पचे 15 यक्ष घाते चार अघन तीन यक्ष घाते दो प्लस जीरो माने कुछ नहीं। ये है मतलब पार्ट वन, अवकलन के पार्ट वन हम बता दिए हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए इस वीडियो को, जब हम एक बार दो बार जब देखेंगे तो आपका अवकलन तैयार होइए, कहीं किसी के यहां कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल इसीलिए परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा हम पढ़ा दें कि हमारे बच्चों को कोचिंग न जाना हो। तो इस वीडियो मतलब जो हम बना के भेज रहे वीडियो को, इसको कई बार देखिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसके आगे जो अवकलन है उसको हम कल आपको हम भेजेंगे, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और इसको शेयर करिए और कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।